हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर फिफ्थ। और जो चैप्टर नंबर फिफ्थ है रेनबो बुक से, उसमें दो पार्ट है, हाउ योगा हील्स और दूसरा है प्योरिटी इज पावर। तो हम सेकंड वाला पार्ट देखने वाले हैं। देखिए, प्योरिटी इज पावर, शुद्धता ही शक्ति होती है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें दो तीन देखते हैं। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, ये कोट दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, प्योरिटी ताकत होती है। तो देखते हैं, वी वॉन्ट प्योरिटी, हम सबको शुद्धता चाहिए, प्योर फूड, शुद्ध खाना चाहिए, प्योर वाटर, शुद्ध पानी चाहिए, प्योर एयर, शुद्ध हवा चाहिए। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा, हम इच्छा रखते हैं हमारे आसपास की जो वातावरण है वो भी क्या होना चाहिए, प्योर। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट, यर्न मतलब होता है लालायित होना या इच्छा रखना, हम प्योर हार्ट की इच्छा रखते हैं और प्योर लव की इच्छा रखते हैं, हमें लव भी प्योर चाहिए, हार्ट भी प्योर चाहिए, हमें वाटर एयर सब प्योर चाहिए। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट, हम महत्व देते हैं शुद्ध वातावरण को, एंड प्योर सोसाइटी, और हमें समाज भी चाहिए प्योर। वी आर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, आदत होना, हमें चाहिए, यह हमें आदत होती है शुद्धता की, बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता बढ़ावा देती है हेल्थ को, अर्थात जहाँ शुद्धता होगी वहाँ आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन दूसरे हाथ पर इम्प्योरिटीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस होता है खतरनाक, अशुद्धता हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, शुद्धता हमारे दिमाग को शांति उपलब्ध कराती है, अर्थात हमारे दिमाग में शांति रहेगी यदि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, इम्पेयर मतलब होता है गंदा करना, और अशुद्धता हमारे दिमाग को गंदा करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे शुद्धता और अशुद्धता में अंतर बताया गया है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, अर्थात अगर अशुद्धता रहेगी हमारे आसपास तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा मानसिक स्वास्थ्य दोनों अशुद्ध होंगे, और यदि हमें वी नीड प्योरिटी, हमें इन दोनों के लिए शुद्धता चाहिए, यदि हम हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें प्योरिटी की ज़रूरत है। वी डू रिक्वायर इन्वायरमेंटल प्योरिटी, हमें ज़रूरत है इन्वायरमेंटल प्योरिटी की, पर्यावरण में भी शुद्धता चाहिए फॉर ओवरऑल हेल्थ, यदि हमें संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ से क्लैरिफाई हो रहा है हमें हर चीज़ में शुद्धता चाहिए। आगे देखते हैं, प्योरिटी इज बॉडी, प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। देखिए, यदि प्योरिटी रहेगी हमारे बॉडी में तो हम फिजिकली क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। प्योरिटी ऑफ स्पीच, यदि हमारे विचारों में, यदि हमारे बोलने में स्वच्छता रहेगी, इज अनसलिड ट्रूथ, अनसलिड का मतलब है बेदाग, बेदाग का मतलब जिसे आंख बंद कर कर विश्वास कर लिया जाए, यदि हमारे विचारों में बोलने में शुद्धता रहेगी तो हमारा सच भी स्वच्छ माना जाएगा, अर्थात हमारी हर बात सत्य मानी जाएगी, कोई डाउट नहीं किया जाएगा। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, देखिए यदि हमारा हार्ट प्योर है तो हमें अनसेल्फिश लव मिलेगा, अर्थात यदि हमारा हार्ट प्योर है तो हम खुद भी निस्वार्थ होकर प्यार करेंगे और हमें भी निस्वार्थ प्यार मिलेगा। प्योरिटी ऑफ थॉट, यदि हमारे विचारों में शुद्धता है, इज अ राइटियस रीजन, रीजन का मतलब यहाँ पे कारण, कारण नहीं तर्क, यदि हमारे विचारों में शुद्धता है तो हमारे तर्क भी सही माने जाएंगे, अर्थात यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपके तर्क भी विदाउट एनी डाउट एक्सेप्ट किए जाएंगे। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, यदि आपके दिमाग में शुद्धता है तो चारों तरफ से आपको शांति मिलेगी। प्योरिटी ऑफ एक्शन, यदि आपके कार्यों में शुद्धता है तो आपकी सर्विस, जो सेवा है, वो कैसी मानी जाएगी, सिंसियर और अनसेल्फिश, अर्थात गंभीर और निस्वार्थ सेवा आपकी मानी जाएगी यदि आप कार्य निस्वार्थ भाव से शुद्धता से करते हैं। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी, देखिए हारमोनियस मतलब होता है मित्रतापूर्ण, यदि समाज में शुद्धता है तो
उनमें मित्रों की जैसे एकता रहेगी। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति शुद्ध है बोलने में, स्वभाव में, तो दोनों में या पूरे समाज में एकता रहेगी। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सीरेनिटी। देखिए, सोल होता है आत्मा, एलिवेटिंग मतलब उत्थान करना या उठाना, सीरेनिटी का मतलब होता है शांति। अर्थात यदि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध है तो आपको आत्मा को शुद्ध करने वाली, उत्थान करने वाली शांति मिलेगी। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होने पर आपको, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ते हैं। ऊपर तो हमने ये देखा प्योरिटी कहाँ कहाँ जरूरत है हमें और प्योरिटी क्यों चाहिए। अब एक कहानी देखते हैं इन द महाभारत। महाभारत में देर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक रुचिकर घटना है टू इलस्ट्रेट, जो बताती है, समझाती है द नेचर ऑफ प्योरिटी, कि शुद्धता की प्रकृति कैसे होती है। देखते हैं एक कहानी। द पांडवाज एंड कौरवाज आर द्रोणाज डिसिपल। जो पांडव और कौरव थे, दोनों के दोनों जो थे द्रोणा के, गुरु द्रोणाचार्य के डिसिपल मतलब शिष्य थे। आजकल तो महाभारत भी आ रहा है, आपको पता है, तो द्रोणा कौन थे आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। देवर वन समन, समन होता है बुलाना। एक बार उन दोनों को बुलाया गया बाय द प्रीसेप्टर द्रोणा। प्रीसेप्टर होता है गुरु। गुरु द्रोणा ने दोनों को बुलाया फॉर अ टेस्ट, उनको एक टेस्ट लेना था। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवों में जो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, वॉज आस्ट टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। युधिष्ठिर को कहा गया कि तुम्हें लाना है एक बैड पर्सन, बुरा व्यक्ति, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज, और कौरवों में जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, वॉज आस्ट टू फैच, फैच होता लाना, उसको कहा गया कि आपको भी लाना है लेकिन वन गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। वो कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर में। तो दुर्योधन को तो बोला गया आपको बुरा व्यक्ति लाना है, और युधिष्ठिर को बोला गया आपको, सॉरी, युधिष्ठिर को बोला गया आपको बुरा व्यक्ति लाना है, दुर्योधन को बोला गया आपको अच्छा व्यक्ति लाना है। आफ्टर अ थोरो सर्च, थोरो होता है कंप्लीट, एक पूरी जांच पड़ताल के बाद बोथ द कजिन्स रिटर्न, दोनों के दोनों चचेरे भाई आए एम्प्टी हैंडेड, दोनों खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरी वन टू बी पायस एंड प्योर। पायस का मतलब होता है धार्मिक। युधिष्ठिर जिसका दिमाग प्योर था, उसे सारे व्यक्ति धार्मिक और शुद्ध लगे, इसलिए वो किसी बुद्धिमान, सॉरी, किसी बैड पर्सन को नहीं ला पाया। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, जो गंदा सा दिमाग था, अशुद्ध दिमाग था दुर्योधन का, फाउंड एवरी वन टू बी इविल, सारे लोग उसे दुष्ट लगे, इविल, इम्प्योर लगे, अशुद्ध लगे। तो इस प्रकार दोनों किसी व्यक्ति को नहीं ला पाए। अब एक कहावत है, एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा हमारा दिमाग वैसी हमारी दृष्टि, विजन होता है दृष्टि। तो इस कहानी से हम यहाँ पर ये समझते हैं, जो हमारे दिमाग में भरा होगा, यदि गंदगी भरी है तो हमें गंदे दिखेंगे सारे लोग, यदि हमारा दिमाग क्लीन है, हमारे एक्शन प्योर है, तो हमें सारे लोग अच्छे दिखेंगे, जैसे युधिष्ठिर को दिखाई दिया। अब देखिए जो आगे वाले पैराग्राफ में हमें राइटर थोड़ा ओवरव्यू दे रहा, प्योरिटी किस किस क्षेत्र में आवश्यक है, प्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर एक कहानी देखेंगे। देखिए, प्योरिटी ऑफ माइंड मैक्स आवर विजन। देखिए, यदि हमारा दिमाग में प्योरिटी रहेगी तो ये किस चीज़ का निर्माण करेगी, हमारी दृष्टि का। अर्थात हमारा दिमाग प्योर है तो हमारी दृष्टि भी प्योर रहेगी, हमारे वर्ड्स भी प्योर रहेंगे, हमारे डीड्स, कार्य भी हमारे प्योर रहेंगे। इट हैज़ ऑल्सो द पावर, प्योरिटी में साथ ही साथ ताकत होती है टू प्योरीफाई पीपल, लोगों को शुद्ध करने की ताकत होती है प्योरिटी में। इविल मतलब बुराई या दुष्टता। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुराई का कोई स्थान नहीं है जहाँ पर शुद्धता उपस्थित है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और अशुद्धता शुद्धता का सामना भी नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस प्रकार अंधेरा सूर्य का अर्थात उजाले का सामना नहीं कर सकता, उसी प्रकार अशुद्धता शुद्धता का सामना नहीं कर सकती। इट ओनली गेट्स चेंज इन टू प्योरिटी, सिर्फ अशुद्धता भी चेंज हो जाती है शुद्धता में, अर्थात अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध व्यक्ति के साथ में रहकर अच्छा बन जाता है। फूल्स, ऐसे मूर्ख लोग हु कम टू स्कॉफ, स्कॉफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना। जो मूर्ख लोग मजाक उड़ाने आए शुद्धता का, रिमेन टू प्रे, वो प्रार्थना करते हुए खड़े रह गए इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में। अर्थात
जो मूर्ख लोग अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझते थे, जो अशुद्ध लोग थे, किसी शुद्ध व्यक्ति का जब मजाक उड़ाने आए वो भी उसकी प्रशंसा में लग गए। विलेंस, जो दुष्ट लोग हैं, हु कम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने आए, स्टैंड इन एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब है प्रशंसा, जो दुष्ट लोग नुकसान पहुंचाने आए वो भी खड़े रह गए प्रशंसा करते हुए, प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति, अर्थात दुष्ट लोग भी शुद्ध व्यक्तियों के सामने उनकी तारीफ करते हुए खड़े हो गए। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज, और जो मर्डर करने वाले हत्यारे आए वो भी बन गए वॉटरीज, वॉटरीज होता है अनुयायी या फॉलोअर्स, मर्डरर भी अनुयायी बन गए ऑफ पीस, शांति के, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में, अर्थात मर्डरर मर्डर करने वाले लोग भी शांत बन गए, शांत हो गए। अब ये क्या बताना चाह रहा है कवि, शांति की क्वालिटी क्या क्या, प्योरिटी क्वालिटी क्या क्या, इस कहानी के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, पाव हरी बाबा वॉज अ सेंट, होता है सन्यासी, पाव हरी बाबा एक सन्यासी थे, ही वॉज प्योर एंड पायस, वो बहुत शुद्ध और धार्मिक थे, ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो एक साधारण सा जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज असलिप, जब वो सोए हुए थे, अ थीफ एंटर्ड, एक चोर आया हिज ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस होता है निवास स्थान पर, एक चोर उनके निवास स्थान पर आया, एंड टुक अवे द वैसल, वैसल होता है बर्तन, और वो बर्तन को ले गया उठाकर, कंटेनिंग फूड, जिनमें खाना रखा हुआ था, चोर बर्तन को लेके भाग गया। द सेंट वॉक अप, सन्यासी पावरी बाबा खड़े हुए, एंड सो द रनिंग थीफ, उन्होंने भागते हुए चोर को देखा, इमीडिएटली तुरंत, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग टू वैसल, पावरी बाबा ने उठाए दो बचे हुए बर्तन, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड, और उन बर्तनों में उबली हुई सब्जियाँ थी और दही था, कर्ड मतलब, एंड रैन आफ्टर हिम, और पावरी बाबा दोनों बर्तन लेके उस चोर के पीछे भागे। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुका, एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, और सन्यासी उसके पास पहुँचा, विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, लेकिन सन्यासी के मन में पूरी शुद्धता थी, प्यार की शुद्धता थी। उस सन्यासी ने कहा चोर को, चाइल्ड, बेटा, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, इनसफिशियंट होता है अपर्याप्त, बेटा ये खाना तो आपके लिए अपर्याप्त है, यू मे हैव दिस ऑल्सो, आप इसको भी ले सकते हैं, अर्थात ये दो पात्र में लेके आया हूँ, दही और बॉइल्ड वेजिटेबल्स के, आप इसको भी ले सकते हैं, प्लीज सिट, कृपया आप बैठिए, एंड ईट विदाउट एनी हरी, बिना जल्दबाजी करे हुए मेरे साथ खाना खाइए। द थीव वॉज वंडर स्ट्रक, वंडर स्ट्रक होता है चौंक जाना, चोर ये देखकर चौंक गया, बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, प्यार भरे शब्द सुनकर, ऑफ द प्योर सोल, उस पवित्र आत्मा के, चोर खुद सरप्राइज हो गया, मैं तो एक चोर हूँ और ये आदमी मुझे इतने प्यार से बात कर रहा है और एक खाना ऑफर कर रहा है और मुझे भगा भी नहीं रहा। देर वॉज अ चेंज इन हिम, तो अचानक उस चोर में परिवर्तन हुआ, ही प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेटेड का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना या पूरा लेट कर ढोग दे देना। चोर लेट गया बिफोर द सेंट, उस सन्यासी के सामने, विदाउट बींग प्योर एट हार्ट, बिना दिल से पवित्र हुए, इफ एनी बडी इमिटेट्स, इमिटेट होता है नकल करना, यदि कोई व्यक्ति नकल करता है सेंट बनने की, सन्यासी बनने की, अर्थात यदि किसी मन व्यक्ति का मन पवित्र नहीं है और वो संत बनने की नकल करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो परिणाम कुछ अलग ही होंगे, जबकि पावरी बाबा एक सोल हार्टेड थे, पवित्र आदमी थे, इसलिए चोर में चेंज आया, यदि कोई नकल करेगा संत बनने की तो रिजल्ट कुछ और होंगे, और वो रिजल्ट क्या होंगे देखिए। द थीव माइट ओनली गिव अ ब्लो, हो सकता था चोर उनको ब्लो मारकर पीटकर भाग जाता, एंड टेक अवे द वेजल, और बर्तनों को लेकर भाग सकता था यदि आप सन्यासी बनने की सिर्फ नकल करते। अब एक लाइन के थ्रू समझते हैं, द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, जो परीक्षा है असली शुद्धता की, इज इन मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, मेटामॉर्फोजिंग का मतलब होता है चेंज कर देने वाली क्षमता। जो टेस्ट होता है किसी शुद्धता का, कब माना जाता है, यदि उस व्यक्ति में उस शुद्धता के गुण में किसी को चेंज करने की क्षमता है, और ये क्षमता पावरी बाबा में थी। तो कितनी सुंदर कहानी थी। एक लाइन यहाँ पर एक विशेष है, जब पावरी बाबा ने बोला दैट
चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, यू कैन टेक दिस ऑल्सो, खाना अपर्याप्त है आप ये भी ले सकते हैं। तो पावरी बाबा जैसे महान संत को उसमें चोर नहीं दिखाई दिया, पावरी बाबा को सिर्फ दिखाई दिया एक व्यक्ति और जो बहुत भूखा है, इसलिए पावरी बाबा को प्योर हार्टेड सोल कहा गया है। एक और कहानी देखते हैं इसी चैप्टर की। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि, एक विशेष ऋषि कॉल्ड गौतम, उसका नाम गौतम था, डिड तपस्या, उसने तपस्या की टू ऑप्टेन सर्टेन पावर। ऑप्टेन होता है प्राप्त करना, उसे निश्चित तपस्या निश्चित पावर चाहिए थी, उसने तपस्या की फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स कई महीनों तक, एंड ईयर्स कई सालों तक। ही ऑब्जर्व रिग्रस ऑस्ट्रेटिज, रिग्रस होता है कठोर, ऑस्ट्रेटिज मतलब तपस्या। उसने कई महीनों दिन साल तक कठोर तपस्या की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, न तो उसने खाना खाया न पानी पिया। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, वो एक एक पैर पर खड़ा रहा। ही कंट्रोल द सेंसेस, सेंसेस होता है इंद्रिया, उसने अपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। ही मेडिटेटेड, उसने ध्यान लगाया ऑन द चोजन डिटी, चोजन डिटी का मतलब होता है इष्ट देव, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाया। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर, एक दिन की बात है, सुबह के समय वो नदी पे गया फॉर अ हॉली डिप, हॉली होता है पवित्र, डिप होता है डुबकी, जिसे पहले के टाइम पे ऋषि मुनि डुबकी लगाते थे नदियों में, तो वो डुबकी लगाने गया सुबह के समय। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, ब्रांचेज होता है शाखाएं, उस पेड़ की जो शाखाएं थी वर आउट स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई थी टूवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ, अर्थात उस पेड़ की शाखाएं नदी के अंदर तक गई हुई थी, नदी के अंदर का मतलब नदी के ऊपर। अ क्रेन मतलब सारस, वो सिटेड अमोंग द ब्रांचेस, उन शाखाओं के बीचों बीच एक सारस बैठा हुआ था। व्हेन गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर, जब गौतम गर्दन तक पानी में था, फेसिंग टूवर्ड द सन, और उसका मुंह सूर्य की तरफ था, विथ एन ऑस्टर माइंड, और वो कठोर तपस्या के मूड में था, या जैसे हम सूर्य के सामने जाते हैं आंख बंद करके सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, तो कठोर मस्तिष्क या कठोर बोल सकते हैं आप डिसिप्लिन के साथ वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन, ड्रॉपिंग होता है शिट, जो पोटी थी क्रेन की, सारस की, फेल ऑन हिज हेड, उसके सिर पर गिर गई। जब गौतम तपस्या तो नहीं कर रहा, सूर्य देवता को याद कर रहा है, तो क्रेन ने उसके ऊपर बीट कर दी। ही फेल डिस्टर्ब्ड, अब वो डिस्टर्ब हो गया गौतम ऋषि, और एनोइड, चिढ़ गया, नाराज हो गया या गुस्सा हो गया। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर, उस पक्षी की तरफ गौतम ने गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, उसी क्षण, अगले क्षण जो पक्षी था सारस वो मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि खुश हो गया, बिकॉज ही हैड ऑप्टेंड, क्योंकि उसने प्राप्त कर ली थी द पावर टू किल अ बर्ड, उसे किसी भी पक्षी को मारने की ताकत प्राप्त हो गई थी बाई इज वेरी गेज, गेज होता है दृष्टि या घूरना, अर्थात उसके घूरने मात्र से कोई भी पक्षी को वो मार सकता था, ये पावर उसको प्राप्त हो गई। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड, पहले के टाइम में खाना मांग कर खाते थे ये, तो पास के गांव में खाने के लिए गया। ही स्टूड बिफोर अ हाउस, वो एक घर के सामने खड़ा हुआ, एंड सॉट आर्म्स, सॉट मतलब मांगा उसने, आर्म्स मतलब भोजन, फ्रॉम द हाउस वाइफ, उसने गृहिणी से खाना मांगा। शी वॉज बिजी, वो गृहिणी बिजी थी डूइंग अ डोमेस्टिक चोज, चोज का मतलब होता है कार्य, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वो औरत अपने घर के काम में बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि ने कुछ मिनट्स के लिए इंतजार करा। ही वॉज एनॉयड विथ हर, गौतम ऋषि उससे चिढ़ गया फॉर द डिले, क्योंकि उसने देरी की थी इन रेस्पॉन्डिंग टू हिस कॉल, उसके पुकार का जवाब देने में, फॉर भिक्षा, अर्थात गौतम ऋषि इसलिए नाराज हो गया, जब उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो उसका उत्तर उस गृहिणी ने नहीं दिया, जबकि वो गृहिणी अपने घर के कुछ काम में बिजी थी। द लेडी केम, अब थोड़ी देर बाद वो औरत आई, लॉक लुक्ड एट हिम जेंटली, जेंटली मतलब हम्बली या विनम्रता से, उसने गौतम ऋषि की तरफ विनम्रता से देखा, एंड सैड, फिर वो औरत बोली, सर श्रीमान, आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, मैं वो क्रेन नहीं हूँ जो आपके घूरने से मारी जाऊंगी।
सॉरी फॉर द डिले, मुझे दुख है मैं देरी से आई। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं तो अपनी पति की सेवा कर रही थी। फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया खाना आप स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को शॉक्ड हुआ, ऋषि सदमे में चला गया। ही कुड नॉट नो, गौतम ऋषि नहीं जान सकता था। हाउ शी वॉज एबल, एबल समर्थ, कि औरत कैसे समर्थ हुई। टू लर्न अबाउट द क्रेन, कि इसको उस क्रेन के बारे में कैसे पता लगा। विच डाइड ओनली अ शॉर्ट वाइल एगो, जो भी थोड़ी देर पहले मारा गया है, इस औरत को कैसे पता लगा। द लेडी फर्दर सैड, उस औरत ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज, सर आप सरप्राइज मत होइए। आई एम अ हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक विनम्र आज्ञाकारी पत्नी हूँ या गृहिणी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आप और ज़्यादा तपस्या के बारे में जानना चाहते हो। एंड द अटेंटमेंट ऑफ पावर्स, अटेंटमेंट मतलब प्राप्ति या उपलब्धियाँ, और यदि आप ताकत की प्राप्ति या उपलब्धियों के बारे में और जानना चाहते हो। प्लीज़ गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो आप इस विशेष व्यक्ति के पास जाइए। हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका एड्रेस मैं आपको दूंगी। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, शी गेव हिम द एड्रेस, उस औरत ने गौतम ऋषि को उस आदमी का पता दे दिया। हम्बल्ड, गौतम ऋषि बिल्कुल विनम्र हो चुका था। क्रेस्ट फॉलन, हताश या उदास होता हुआ। द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, ऋषि को जैसा एड्रेस बताया गया था वैसे वो चला गया। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम, अब और भी ज़्यादा सदमा लगा गौतम ऋषि को। टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, जब उसने उस विशेष व्यक्ति को देखा। टू बी एन ऑर्डिनरी, कि इसके बारे में तो वो औरत बता रही थी विशेष व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति तो बिल्कुल साधारण निकला, सिंपल मैन निकला। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस क्षण गौतम ऋषि को देखा गया, उस आदमी ने कहा, हॉली सर, हॉली सर बोल सकते हैं, श्रीमान, पवित्र श्रीमान का सन्यासी महाराज, वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे भी पता है उस क्रेन की डेथ के बारे में। एंड दैट हाउसवाइफ्स एडवाइस, और मुझे उस गृहिणी की सलाह के बारे में पता है जो उसने आपको दी। प्लीज़ वेट अ लिटिल, कृपया थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। एंड आई शैल सून टेक यू होम, फिर मैं जल्दी आपको घर के अंदर ले चलूँगा। लेटर, कुछ देर बाद, एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज, उसके घर में भी ऋषि सरप्राइज हो गया। टू सी, जब उसने देखा, द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, वो आदमी तो और उसको देरी करवा रहा है। ही वॉज बिजीली इंगेज, वो पूरी तरीके से इंगेज लगा हुआ था इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, अर्थात वो आदमी भी तन मन धन से प्योरिटी से अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर, उस व्यक्ति को देखने पर ऐसा नहीं लगता था इसने कोई स्क्रिप्चर ग्रंथ पढ़ा है। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्रिटीज, और उस व्यक्ति को देखने पर यह भी नहीं लगता था न उसने कोई तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन वो आदमी चमक रहा था शुद्धता से, प्योरिटी ऑफ माइंड, उसका दिमाग बिल्कुल शुद्ध था। इन हिज प्रेजेंस, उस आदमी की उपस्थिति में, ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, ऋषि पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, अर्थात गौतम ऋषि। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, गौतम ऋषि का जो घमंड था तपस्या का वो गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब हम्बल या शालीन, गौतम ऋषि शालीन या विनम्र हो गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, अब गौतम ऋषि शुद्ध हो गया बिना गुस्से के, न उसमें इल विल थी अर्थात बुरी इच्छा थी किसी के प्रति, हॉटिनेस, न गौतम ऋषि में घमंड बचा था। अब लेखक हमें बता रहा, ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति जो सिंसियर है सेवा करने में, और वह व्यक्ति जो फेथफुल है इन डूइंग ड्यूटीज, जो विश्वास के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करता है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी से प्यार करता है, इज प्योर, वो व्यक्ति शुद्ध है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, जो शक्ति है शुद्धता की बहुत उच्च है और इसका कोई मूल्य नहीं है। तो इस कहानी के थ्रू ये समझ सकते हैं, वो आदमी पूरी तरीके से सेवा में लगा हुआ था अपने माता पिता की, और वो जो लेडी थी वो भी पूरी तरह सेवा में लगी हुई थी अपने बच्चों की और पति की। चाहे से उसके द्वार पर, दरवाजे पर भगवान भी आ जाए, वो इतने फुली इन्वॉल्व थे अपनी सेवा में, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल थे बिना कोई तपस्या किए हुए गौतम ऋषि से। द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, एलिमेंट्स होता है तत्व, अर्थात जो प्रकृति के तत्व होते हैं, प्रकृति हमें जितनी भी चीज़ें देती हैं,
हैव द एबिलिटी, उनमें क्षमता होती है टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, कि सिर्फ वो चीज़ों को ही पवित्र नहीं करती बट ऑल्सो बींग्स एज वेल, साथ ही साथ वो मनुष्य को भी पवित्र करती है, अर्थात चीज़ों और मनुष्यों को सबको प्रकृति शुद्ध कर देती है। मैन मैक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, आदमी प्रकृति के इन तत्वों का यूज करता है अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। वेरी ऑफन, बहुत रेयरली, फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, फॉर वॉन्ट ऑफ मतलब चाहत में या कमी की वजह से, बहुत कम होता है ऐसा कि यदि उचित और शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता तो मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन, कई प्रकार के जो जेम्स होते हैं, खनिज रत्न होते हैं, वो छिपे रह जाते हैं रेत में। अर्थात इसको ऐसे समझते हैं, खनिज रत्न का मतलब यहाँ पर है ऐसे व्यक्ति जो अच्छे संस्कार में तो जन्म लेते हैं लेकिन उनको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, तो उनकी क्वालिटी रेत में या कहीं छिपी रह जाती है। एंड मैनी अ फ्लावर विदर्स अवे, और कई प्रकार के फूल विदर अवे, मुरझा जाते हैं अनसीन और बिना देखे रह जाते हैं इन थॉर्न्स, थॉर्न्स होता है कांटे, तो कई फूल कांटों में दबकर रह जाते हैं। यहाँ पे फूल ऐसे व्यक्तियों के लिए आ रहा है जिनमें गुण होते हैं लेकिन एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलने से उनके सारे वर्चू दिखाई नहीं देते। समटाइम्स इनसफिशियंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, कई बार अनुचित और अपर्याप्त जो ट्रेनिंग होती है स्पॉइल, वो बर्बाद कर देती है द इनबॉर्न ट्रेट्स, जन्मजात विशेषताएं और वर्चू मतलब गुण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कई बार अपर्याप्त और अनुचित हमें जब प्रशिक्षण मिलता है तो हमारे जन्म से जो मिली विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं। इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज अ लिटिल इम्प्योर, चाहे से हमने एक गंदे से वातावरण में जन्म लिया हो, वी कैन प्योरीफाई इट, हम फिर भी उस वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, और उस वातावरण को हम परफेक्ट बना सकते हैं नर्चर मतलब पालन पोषण के द्वारा। इसको ऐसे समझिए, कई बार कई बच्चे अच्छे वातावरण में जन्म नहीं लेते लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उसको परफेक्ट नहीं बना सकते, यदि उनको पालन पोषण अच्छा मिले तो बेकार वातावरण में जन्म लेने के बाद भी अच्छे वातावरण की वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं और उनका पालन पोषण अच्छा हो सकता है। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, जो कई डॉग्स होते हैं गली में बहुत गंदे होते हैं, वे डर्टी हैबिट्स, उनकी आदत भी बहुत गंदी होती है, बट एज वेल बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग, लेकिन अच्छे से पाला हुआ डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, वो सिर्फ साफ ही नहीं होता, अर्थात जिस डॉग को अच्छे से पाला पोसा जाता है वो साफ तो होता ही है बट बिहेव्स वेरी मैथोडिकली, लेकिन वो व्यवहार भी करता है मैथोडिकली मतलब मैनर्स के साथ, डिसेंटली और शिष्टता के साथ। गली के कुत्ते अच्छे से बिहेव नहीं करते, घर में पाला पोसा गया ट्रेनिंग दिया हुआ डॉग अच्छे से व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट, इनहेरिट होता है विरासत में मिलना, आदमी को विरासत में मिली है ट्रेट्स मतलब विशेषताएं ऑफ एनिमल्स, अर्थात इंसान को विशेषता, इंसान को विरासत में ही एनिमल्स की विशेषताएं मिल चुकी हैं, एनिमल्स के गुण इंसान में हमेशा होते हैं बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा ही बिकम्स मैन, वो आदमी बन जाता है, वो जानवर बनने से बच जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, संस्कारों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, द इम्प्योर लेगेसी, लेगेसी होता है विरासत, जो गंदी विरासत है फ्रॉम द एनिमल्स, जो हमें एनिमल से मिली है, इज वॉस्ट ऑफ, वो हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड द लैटेंट प्योरिटी, और जो लैटेंट जो छिपी हुई शुद्धता है आदमी में, इज मेड टू शाइन, वो चमकने लग जाती है। इन तीन चार पांच लाइनों को हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि ये आसपास का वातावरण सही रहेगा तो हम, ये गारंटी नहीं है कि आसपास में यदि वातावरण सही है तो हम अच्छे बनेंगे, यदि आगे वातावरण खराब हुआ तो भी हमारी नेचर खराब हो सकता है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम इम्प्योर वातावरण में जन्म लेके आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, यदि बाद में हमारा वातावरण शुद्ध हो जाए तब भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसको एक कहानी के थ्रू समझते हैं। पैरेट स्पीक इफ ट्रेंड, तोते बोलते हैं यदि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हमने देखा है, दे कैन इमिटेट, नकल करना,
वो नकल कर सकते हैं ह्यूमन स्पीच की। आदमी जैसे जैसे बोलता है उसकी नकल तोते कर सकते हैं यदि उनको ट्रेनिंग दी जाए। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप, ब्रॉट अप होता है पालन पोषण करना। दो तोतों का पालन पोषण किया गया बाई टू पीपल, दो लोगों के द्वारा। वन वॉज अ हंटर, एक को एक शिकारी ने पाला। एंड द अदर अ स्कॉलर, स्कॉलर होता है विद्वान, एक को किसी शिष्ट विद्वान व्यक्ति ने पाला। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, दोनों लोगों ने ट्रेनिंग दी अपने अपने पालतू तोतों को बोलने के लिए। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर, पहला तोता जिसको हंटर ने पाला था स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, वो शब्द बोलता था, हार्शनेस मतलब कठोरता भरे, क्योंकि उसे हंटर ने पाला था। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, उस तोते के जो भाव थे वो क्रूड थे, गंवारों के जैसे थे, या अश्लील थे, रूड रूखे थे, एंड अनसिविलाइज मतलब असभ्य थे, क्योंकि उसे हंटर ने पाला था। द सेकेंड बर्ड हैड अक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, जो दूसरा तोता था उसने प्राप्त किया सॉफ्टनेस मतलब कोमल या मधुर वाणी जब वो बोलता था, क्योंकि उसे एक विद्वान ने पाला था। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट, वो तोता शुद्धता के साथ बोलता था और संस्कृति के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न, जबकि पहले तोते ने सीखा वल्गर स्लैंग, अश्लील बातें करना, ऑफ द क्रूअल हंटर, अपने निर्दयी शिकारी से, एंड इस कस्टमर और उसके ग्राहकों से, क्योंकि शिकारी के पास उसके ग्राहक भी वैसे आते थे जैसा वो खुद था। द लेटर वॉज क्विक, जो बाद वाला तोता था उसने जल्दी से रिपीट करना सीख लिया द काइंड वर्ड्स, दयालुता दयालु भरे शब्द, ऑफ अफेक्शनेट वेलकम, अर्थात जो विद्वान के द्वारा पाला गया तोता था वो दया के साथ बात करता था, स्नेहशील शब्दों के साथ लोगों का स्वागत करता था, फेयरवेल और उनको अलविदा कहता था, इन द स्कॉलर्स हाउस, स्कॉलर के घर में। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स, जबकि सरप्राइजिंग बात यह है दोनों के दोनों तोते भाई थे, बॉर्न टू द सेम मदर बर्ड, एक ही माँ के बच्चे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ होता है की वजह से, ब्रिंगिंग अप होता है पालन पोषण, लेकिन पालन पोषण की वजह से और एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड और जो उनके आसपास वातावरण था उसकी वजह से, देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर, उनके जो भाव थे और व्यवहार था डिफर्ड मतलब अंतर रखता था वेरी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, दोनों के स्वभाव में और बोली में बहुत अंतर था वातावरण की वजह से। सो कवि हमें, लेखक हमें ये समझा रहा है, इट इज़ नॉट इनफ, ये आवश्यक नहीं है, इफ़ वी आर बॉर्न प्योर, कि हमारा जन्म शुद्ध वातावरण में हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हम प्योर ही होंगे। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप, हमें हमारा पालन पोषण भी किया जाना चाहिए इन अ प्योर एटमोसफियर, एक शुद्ध से वातावरण में, अमोंग द कल्चर्ड पीपल्स, और शिष्ट लोगों के बीच। ये भी जरूरी है कि जन्म लेना प्योर वातावरण में सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, हमें पाला पोसा भी अच्छे लोगों के बीच जाना चाहिए, एल्स अन्यथा द इनबोर्न प्योरिटी, जो हमारी जन्मजात शुद्धता है, विल विदर अवे, वो झड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, और या विल गेट इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग जाना, या हमारी जन्मजात शुद्धता पर ग्रहण लग जाएगा बाय कंटेमिनेटिंग टाइम, कंटेमिनेटिंग होता है दूषित करना, टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, अर्थात यदि इनबॉर्न प्योरिटी हमने मेंटेन नहीं की, अच्छे वातावरण में नहीं रहे, तो हमारी इम्प्योर जो हमारी अशुद्धता है वो तो खराब होएगी, अशुद्धता तो खराब होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ उस पर ग्रहण भी लगने लग जाएगा, क्योंकि हम गंदे वातावरण और गंदे समय में रहेंगे तो हमारी शुद्धता सारी गायब हो जाएगी। तो इस स्टोरी से हम ये समझे, सिर्फ अच्छे वातावरण में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छे वातावरण में जन्म लेने के बाद भी हमारा पालन पोषण कल्चर्ड पीपल सभ्य लोगों के बीच होना चाहिए, और हमें मर्यादा में रहना पड़ेगा, अच्छे संस्कार लेने पड़ेंगे, तभी हमारा जीवन प्योर होगा और हम संस्कृति से भरे रहेंगे, नहीं तो हम दूसरा जो फर्स्ट वाला जो तोता था हंटर के द्वारा पाला हुआ उसके जैसे हो जाएंगे, और क्रूअल लैंग्वेज या अश्लील भाषा का हम यूज़ करेंगे।